नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि हम लोग ओपीडी में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, विच इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग आफ्टर कोविड इन्फेक्शन इन दी आईज़। एक बहुत ही कॉमन चीज़ हम देख रहे हैं आँखों में कोविड से रिकवरी के बाद, जिससे ज़्यादातर पेशेंट बहुत परेशान होकर आ रहे हैं। एंड आई टेल यू ऑल अबाउट इट टुडे। कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से दो फेजेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहला फेज़ है कोविड की, जब एक्टिव वायरल प्रॉब्लम हो रही है, वायरल रेप्लिकेशन हो रही है, जो पहले 5-6 दिन तक रहती है। एंड देन आफ्टर दैट देर इज़ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। बॉडी किसी भी बीमारी को, किसी भी वायरस की तरफ से बॉडी फाइट करने की कोशिश करती है और एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स बनाती है, जिसकी वजह से सेकेंड फेज़ में दिक्कतें आ रही हैं, विच अकर्स आफ्टर 6 days एंड जनरली अकर्स किसी में 12-13 दिन तक, किसी में लंबा चलता है। सो दिस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कैन कम अर्ली, विच इज़ इमिजिएटली, जैसे ही आपका वायरल फेज ख़त्म हुआ, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ गया। बहुत लोगों में, खासकर बच्चों में, एक डिलेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, जिसको हम MISC भी कहते हैं, जिसमें कि वापस से फीवर आ सकता है, डायरिया हो सकता है, स्किन पर रैशेज हो सकते हैं, आँखें लाल हो सकती हैं। इन दैट केस इट इज़ बेसिकली वॉट इज़ हैपनिंग इज़ कि बॉडी एक लेट इन्फ्लेमेशन, एक लेट अपना रिस्पॉन्स दे रही है टू दी वायरल इन्फेक्शन। आँखों में भी इसी तरह का कुछ हम लोग देख रहे हैं बहुत कॉमनली, जिसकी वजह से आँखों की जो ऊपर की लेयर है, जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं, उस मेम्ब्रेन के अंदर सूजन बन रही है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत दिक्कत हो रही है। दिस इज़ अगेन अकरिंग अराउंड 4 weeks से शुरू होकर 3 महीने तक ये प्रॉब्लम रह रही है। पोस्ट कोविड पेशेंट्स आर कमिंग विद सिवियर रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, आँखों में सूजन, भारीपन, आँखें थकी थकी रहना, जली जली रहना, ऐसा लगना आँखों में कुछ जलन सी मच रही है, पानी बहुत ज़्यादा गिरता है आँख से, या बिल्कुल आँखें ड्राई भी हो सकती हैं, आँखें लाल बहुत रहती हैं, आसपास स्वेलिंग हो सकती है, मन करता है आँख को रब करते रहें, इचिंग करते रहें, आँख में कुछ चुभन भी हो सकती है, कुछ थ्रेडी सा डिस्चार्ज निकल सकता है, चिपचिपापन रह सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स माइट हैपन, कुछ भी हो सकता है इसमें से या सब भी हो सकता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज जनरली अकरिंग बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, द कंजंक्टिव ऑफ द आई, विच लीड्स टू ऑल दीज सिम्टम्स। ये पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ही है। ये रिस्पॉन्स हम वैसे भी बहुत पेशेंट्स में पोस्ट वायरल डिसऑर्डर्स के बाद भी देखते हैं, जो बहुत सारे वायरल डिजीज़ के बाद भी आता है ये, लेकिन क्योंकि आजकल कोविड इन सच हाई नंबर्स देखा है, अप्रैल में, मई में इतना पीक आया है हिंदुस्तान में, कि इस वजह से ये जो प्रॉब्लम है करंटली, बिकॉज दिस इज़ द टाइम इट इज़ अकरिंग, 1 महीने से 3 महीने तक ये वही टाइम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं इस चीज़ के, आँखों में रेडनेस के साथ, आँखों में पेन के साथ, आँखों में इरिटेशन के साथ। अब अगर आपको ये हो रहा है तो आप करें क्या? आप घर में बैठे बैठे सबसे पहले तो इसमें कोल्ड कंप्रेसेस कर सकते हैं, ठंडी सिकाई कर सकते हैं। ठंडी सिकाई आइस लगा के मत करें, बर्फ़ लगा के मत करें, क्योंकि वो पानी जब निकलता है, बर्फ़ पिघलेगी, पूरे स्किन को भी तंग करती है और आँख के अंदर जाके इरिटेशन बढ़ाती है। रादर यू शुड यूज़ जेल पैक्स। जो जेल पैक्स आते हैं बने हुए आँख के, उनको ठंडा रखें, जब वो ठंडे हो जाए तो उनको कुछ समय के लिए आप आँख के ऊपर रखें, आपको बहुत आराम आएगा। अगर आपके पास जेल पैक नहीं है तो आप नॉर्मल हैंड टॉवल को गीला करके, उसको अच्छे से निचोड़ के, फोल्ड करके, उसको फ्रीज़र में रख के जमा सकते हैं। ऐसे 3-4 ब्लॉक्स बना लीजिए, जब वो जम जाए तो उससे आप ठंडक दे सकते हैं, वो पानी नहीं रिलीज़ करने देगा और ठंडक का काम अपना कर देगा। कोल्ड कंप्रेसेस हेल्प अ लॉट इन दिस कंडीशन, तो आप घर बैठे बैठे फॉर इमीडिएट रिलीफ कोल्ड कंप्रेसेस डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। वो आपको कुछ आई ड्रॉप्स देंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, यू माइट नीड स्टेरॉयडल आई ड्रॉप्स, यू माइट नीड लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, किस वो आपकी कंडीशन देखते हुए आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है। एंड आफ्टर दैट मोस्ट पेशेंट्स आर रिकवरिंग वेल, तो परेशान होने की बात नहीं है। बहुत लोग वरिड होते हैं कि कहीं ये जो रेडनेस आ रही है आँख के अंदर, ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं है। पोस्ट कोविड हमने म्यूकोरमाइकोसिस के भी बहुत सारे केसेस देख लिए हैं, एंड इट इज़ डेंजरस, इट इज़ फेटल, जान का खतरा भी हो सकता है अगर टाइम से पकड़ा ना जाए। तो लोगों का वरिड होना बिल्कुल लाजमी है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि पीपल आर वरिड, बट ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस जनरली जो है आपके नाक या साइनस से स्टार्ट होगा, तो उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स इस एरिया में होंगे। आपको जबड़ा जॉ पेन हो सकता है, आपका दांतों में दर्द हो सकता है, आपका जो साइनस है ये वाला एरिया स्वोलन
या पेनफुल, बहुत पेनफुल हो सकता है, नाक से ब्लीडिंग, नाक से डिस्चार्ज, नाक बंद होना, ये सब साइंस हैं अर्ली जो आपको इस एरिया में अगर म्यूकोर माइकोसिस हो रहा है तो उसकी वजह से है. फ्रॉम हेयर व्हेन इट बिकम्स एडवांस इट गोज़ टू द आई एंड देन द ब्रेन. तो आई सिम्टम्स लेटर ऑन आते हैं. सिर्फ आँख में लाली आ रही है तो ऐसा नहीं होगा, और वो भी लाली से पहले आपकी आँख के आसपास तो थोड़ा बहुत आपको आँख में भी दर्द काफ़ी तेज़ होता है, आँख थोड़ी बड़ी बड़ी लगेगी, कई बार दो दो दिख सकते हैं अगर ज़्यादा स्प्रेड कर जाए, विजन लॉस हो सकता है म्यूकोर माइकोसिस में. सो इफ़ ऑल ऑफ दिस इज़ नॉट हैपनिंग तो आप वरी नहीं करें. लोग सिर्फ और सिर्फ आँख में लाली होना, आँख में जलन होना, आँख से पानी आना, एंड जनरली दिस हैपन्स इन बोथ दी आइज, तो दिस विदाउट एनी अदर साइनस और नो सिम्टम्स इज जनरली नॉट म्यूकोर माइकोसिस. फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो ज़्यादा सोचे नहीं, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले, बिकॉज योर डॉक्टर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर, एंड वो क्लियर हो जाएगा कि आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है या आपको म्यूकोर जैसी खतरनाक तकलीफ हो रही है, वो आपके डॉक्टर देख के बता देंगे. जब भी ऐसा कुछ होता है, रेडनेस है, परसिस्टेंट है, पेन है, ज़्यादा सोचे नहीं, एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लें. आई होप यू ऑल रिकवर वेल.